समस्त छात्रात्री मानों को सुबह संध्या इले मैंने आज हमें गोटे गल्प पढ़ा पूर्व कक्षा रे आमर पद्य पांचटी सरी जाए गद्य आरंभ होना गद्य तीनोटी अच्छे आरंभ करवा गल्प पांचटी अच्छे गल्प मध्य आज गोटे प्रथम गल्प पढ़ा तापर आम रही एकाइका गोटे कलिंग जेजेमा ताकू मध्यम पढ़ीबा एवं तापर ये व्याकरण विभाग को धीरे धीरे आम आरंभ कर दबा बुझला पे मैंने तेरे पूर्व आम पांचटी पद्य आम पढ़ी सारे तेणु आज आम गोटे गल्प आरंभ करवा जार नाम हूँ पे मैंने सारिपुत गल्पर नाम पे मैंने कौन हूँ सारिपुत ये हूँ गोटे गल्प गल्पला सारिपुत एवं ये गल्पर गाल्पिक डॉक्टर सुरेंद्र महांति तेरे गाल्पिक नाम मन रखे पे मैंने गल्पला सारिपुत गाल्पिक सुरेंद्र महांति तेरे गाल्पिक सुरेंद्र महांति विरचित गल्प सारिपुत तेरे ये विषय में पढ़ा पे मैंने तुम्हें समस्ते बौद्ध धर्म विषय जान हाँ बौद्ध धर्म जैन धर्म ख्रीष्ट धर्म हिंदू धर्म यहपर भाव धर्म सब रही अच्छे हाँ तेरे भारत गोटे बहु धर्म धर्मी विशिष्ट प्रदेश देश तेरे ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली भारत को कहा जाए सबु धर्म को समान प्राधान्य दि जाइए तेणु जो बौद्ध धर्म हाँ बौद्ध धर्म स्रष्टा किए पे मैंने प्रतिष्ठाता हाँ जान किए गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध नाम शुणी थ बौद्ध धर्म स्रष्टा से जैन धर्म रे महावीर जैन हाँ यहपर भाव बौद्ध धर्म जैन धर्म तेरे आज आम जो सारिपुत गल्पटी पढ़िया पे मैंने गाल्पिक सुरेन्द्र महांति द्वारा विरचित यही सारिपुत जो शीर्षकटी रही ये हूँ से गौतम बुद्धंर जड़े परम शिष्य विषय आज पढ़ा हाँ जार नाम हूँ सारिपुत तेरे ये सारिपुत हूँ गौतम बुद्धंर जड़े शिष्य तेरे ता पढ़िया पूर्व आम प्रथम गाल्पिकों परिचय टे पे मैंने जान ला हाँ तेरे गाल्पिक ये हूँ सुरेंद्र महांति तेरे सुरेंद्र महांति जन्म पिले मैंने उन्नीस बैस मसीह तिरोधान उन्नीस नबे ते मन रख उ बैस रु उ नबे मन रखे मैंने तेरे गाल्पिक सुरेंद्र महांति जन्म होता उन्नीस बैस एवं तिरोधान होता बा मृत्युवरण करते उन्नीस नबे ख्रीटाब्द तेबे ये गाल्पिक सुरेंद्र महांति हेउछन्ति पिले माने आधुनिक ओडिया साहित्यर जने विशिष्ट से एकाधर जने औपन्यासिक गाल्पिक भाव से सुपरिचित तद्व्यतीत से एकाधर जने सांबादिक साहित्यिक समालोचक राजनीतिज्ञ तथा स्तंभकार भाव से मध्य प्रसिद्धि लाभ करिछन्ति से केवल जे जने औपन्यासिक गाल्पिक ताहा नुहे से मध्य थिले जने समालोचक सांबादिक समालोचक राजनीतिज्ञ एवं स्तंभकार स्तंभकार पे देखी आम खबर कागज रे गोटे स्तंभ आसी थाए से विभिन्न प्रसंग को लेकिन सेठे समालोचक समालोचना मध्यम स्तंभटी लिखा जाए थाए स्तंभटी देखी थी पे मैंने तेरे से मध्य से स्तंभ लिखे अति दक्ष थे तेरे स्वाधीनता परवर्ती समाज बहुमुखी विभाग को से गल्पर रूप दे तेरे स्वाधीनता परवर्ती समय बहुमुखी विभाग जैसे स्वाधीनता भारत स्वाधीनता उन्नीस सत्चाश मसीहा हाँ ता परवर्ती समय रे
भारत रो जो बहुमुखी समाज रही छि हां ए समाज गुड़ी को बहुमुख आड़ को गति कर चलला सही अवस्था सही परिस्थिति को से तांकर गल्प रे रूप दे छथि तबे शब्द संबर भितरे से साधारणत बौद्ध युगर कहानी को चित्ताकर्षक भावरे करिवारे से धुरुनी से साधारणत तांग गल्प गल्प गुड़ी करे बौद्ध युगर कहानी गुड़ी को समावेशित भावरे रही अछि तबे तांकर प्रथम गोटिए उपन्यास थिला जहां पई से सबुटर साहित्यर सर्वोच्च पुरस्कार केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पिले माने पाइथिले तार नाम हेउछि नील शैल तांकर गोटिए गल्प थिला जार नाम हेउछि नील शैल जो कि मैं से पाई थी केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार मानो के पिले माने केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार तबे ये जो नील शैल उपन्यास टी गाल्पिक सुरेंद्र महांती पाई थे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार मन रखिबो ता परे हां से अनेक गल्प लिखिसंती जेपर सारिभूत गोटि गल्प एही पर आउ मध्ये अनेक गल्प लिखिसंती जथा कृष्णचूड़ा महानगरीर रात्रि तार रुटि ओ चंद्र हां तांगर तांगर शीर्ष गुडीकर किपरि चित्ताकर्षक अति कोण कौतूहलपूर्ण रही जे प्रश्न कृष्णचूड़ा वृक्ष देखिथिबो से कृष्णचूड़ा वृक्ष को आधार करी से गोटि गल्प रचना करछंती एवं महानगरीर रात्रि महानगरी कटक भुवनेश्वर हाँ जो महानगरी रही भुवनेश्वर से किपर रात्रि जापन करपर गोटे गल्प लिखिंट तेज रुटि और चंद्र हाँ सबुज पत्र धूसर रोलाप सबुज पत्र धूसर रोलाप हाँ कौ भाई भाव गल्प मन रख पे मैंने कवि और नर्तक कवि किपर भाव तार नर्तकी सदृश कविता सहित तुलना कर गल्प मध्यम गाल्पिक सुरेन्द्र महांती ताकू मध्य भविष्य रे केते बेले सुजोग मिले निश्चय हरे पिले माने पढिबो तारे मराळर मृत्यु मराळ पक्षी पिले माने जानिथिबो से मराळ पक्षीर मृत्यु को आधार करि किपर मृत्यु घटिजी ताकू गोटिए पक्षी को आधार करि से गोटिए गल्प लिखिसंदी अति सुंदर गल्पटी पिले माने भविष्य रे केते बेले सुजोग पाइले निश्चित जेतेले उच्चतर शिक्षा लाभ करिवो से समय रे पढि पारिबो ते मराळर मृत्यु तापरे शेष कविता आ गोटे थे गल्प जहाँ नाम हूँ शेष कविता इत्यादि गल्प संकलन होगुड़े सब गल्प संकलन मन रखे बिल्ली मैंने प्रथम हूँ कृष्णचूड़ा महानगर राति रुटी और चंद्र तप सबुज पत्र धूसर गोलाप कवि नर्तकी मराळर मृत्यु शेष कविता यही सब गुड़िक गल्प संभार रही संभार ये गल्प संभार गुड़ी निश्चित भाव पढ़ापी तुम्हें मैंने सुजोग पाइल निश्चित भाव पढ़व बहुत आनंद हाँ एवं बहुत शिक्षण कथा रही गल्प गुड़ी मध्य तेरे से निज गल्पे से प्राचीन बौद्ध जगत आरंभ कर गल्प गल्पर वशिष्टता पे मैंने कौन कौन ए भिन्नता रही अगर गाल्पिकों ठार कौन ए भिन्नता रही गल्प गुड़ी करे से गल्प गुड़िक पे मैंने बौद्ध जगत आरंभ कर आधुनिक आधुनिक कालर जीवन चित्र दे कौन बौद्ध युग ख्रीष्ट ख्रीष्टपूर्व 567 रु आरंभ बुझेला पिले माने से ख्रीष्टपूर्व 567 बा बौद्ध युग कालरु तांक एवं वर्तमान आधुनिक युग पर्यंत जो जीवन र चित्र को से तांकर गल्प माध्यम स्थान दैछन अति निखुण भावे बौद्ध युग आरंभ कर वर्तमान आधुनिक युग पर्यंत समस्त जीवन चित्र गुड़िक प्रत्येक युगर वर्णना समालोचना करी से तांकर गल्प माध्यम स्थान दे प्रत्येक परिस्थिति को प्रत्येक जीवन चित्र को तापर आम आज जो पिले पढ़ा सारिपुत ये सारिपुत गल्पर निर्वाण प्राप्ति उद्देश्य बौद्ध धर्म प्रति पुत्र आसक्ति हाँ ये जो सारिपुत गौतम बुद्ध शिष्य रही सारिपुत से किपर निर्वाण पाइबापी निर्वाण अर्थात पे मुक्ति मोक्ष हाँ निर्वाण
ଯୋଟାକୁ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ ହଁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ କୈବଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହଁ ସେଇ ସେଇପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ନିର୍ବାଣ ହେଲା ପିଲା ମାନେ କଣ ମୋକ୍ଷ ତେବେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାରିପୁତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସାରିପୁତ୍ର ମା ସଦା ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ କରିଛି ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ତା ମା ମାର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଏଇ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ତେବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ତା ମା ଏ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ତା ମା କିପରି ଭାବରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିପରି ପୁଅର ସ୍ନେହରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ହଁ ତାର ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମୁର ହୋଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବାରୁ ତା ମନ ଭିତରେ କେଉଁଭଳିଆ କୋହ କେଉଁଭଳିଆ ବେଦନା କେଉଁଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ହଁ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହି ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପଟିରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ହଁ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାରିପୁତ ଗଳ୍ପରେ ପିଲାମାନେ ତେବେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ହଁ ପିଲାମାନେ ସାରିପୁତ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତା ମା ସାରିପୁତର ବାଟକୁ ଅନାଇ ଚାହିଁ ଅନାଇ ବସିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ସାରିପୁତ କିନ୍ତୁ ତା ମା ଜାଣିନାହିଁ ସାରିପୁତ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଜାତ ହେଉଛି ହଁ ସାରିପୁତର ମା ତା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରୂପଶ୍ରୀ ହଁ ସାରିପୁତ ସାରିପୁତର ମା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ଏଠି ଆମେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ପାଇବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଯିଏ ହେଉଛି ସାରିପୁତର ମା ସାରିପୁତର ମା ରୂପଶ୍ରୀ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ଆଉ ଇଏ ତ ସାରିପୁତ ରୂପଶ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ପାଇବା ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ରୂପଶ୍ରୀ ହେଉଛି ସାରିପୁତର ମା ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବୈଦିକ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବହୁତ ଥିଲା ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇଏ ଥିଲା ସେ ସଦାବେଳେ ବେଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଜାତି ଯୋଉ ଜାତିଭାବ ଥିଲା ହଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ପଶୁବଳି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସତା ହଁ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତେବେ ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି କିଏ ଭାବୁଛି ସାରିପୁତର ମା ରୂପଶ୍ରୀ ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାରିପୁତ ନୁହେଁ ରୂପଶ୍ରୀର ସାରିପୁତ ତେବେ ରୂପଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସାରିପୁତର ମା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ତେବେ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରକୁ ହଁ ରୂପଶ୍ରୀ ହେଉଛି ସାରିପୁତର ମା ତେବେ ଆଜି ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି କୋଉ ସାରିପୁତ ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ ନୁହେଁ ମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ ସାରିପୁତ ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉ ସାରିପୁତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାରିପୁତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ହେଲା
शिरोमणि श्रेष्ठ तबे श्रेष्ठ शिष्य शिरो शिष्य शिरोमणि सारिपुत नुहे रूपश्रीर सारिपुत फेरी आसुचि आजि जननीर शून्य कुटीर को जननी अर्थात मा जानते पिला माने मा जननी ए होची कोन प्रतिशब्द जननीर शून्य कुटीर को सारिपुत बौद्ध धर्म ग्रहण करी कोन गृह छाड़ी पळै जायचि तबे से आजि सारिपुत फेरी आसुचि ता मा चाहि बसचि सारिपुतर बाट को केते बेले सारिपुत फेरी आसीबो सेइ पई से एठारे गाल्पिक कहउछंती सारिपुत आज फेरी आसुचि भिक्षु सारिपुत नुहे शिष्य शिरोमणि सारिपुत नुहे से कौ सारिपुत रूपश्रीर सारिपुत फेरी आसुचि आज ता जननीर शून्य कुटीर को जो सारिपुत चली जाए फल ता मार घर शून्य हाहाकार पड़ जाइए शून्य निस्तब्ध हो जाइए निस्तब्ध गृह मध्य को आज जननीर से मार से शून्य कुटीर को आज फेरी आसुचि मुकुलित आम्रद्यान कोकिलर कुहुरव अशांतर अशांतर हो उठे से समय प्राकृतिक सौंदर्य वर्णना कर सारिपुत रूपश्रीर कुटीर प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण ताठार गाल्पिक सुंदर भाव वर्णना कर मुकुलित आम्रद्यान कोकिलर कुहुरव अशांतर अशांतर हो उठे मुकुलित मुकुलित माने कौन पिले माने एते गुडी आंब गछ अछि जे मुकुलित अवस्था रे प्रथम कौन विछुरित होइ जाइछि ता डाळ गुडी को प्रत्येक दिग को दश दिग को विछुरित होइ जाइछि घंच अरण्य होइ जा आंब गछ रे अनेक गुडी आंब गछ अछि अमृद्यान आम्रयुक्त को उद्यान अमृद्यान पिले माने संधि होइ छन कि नि अमृयुक्त को उद्यान कमृद्यान संधि विषय जानते बोले मैंने तेब से आम्र उद्यान अर्थात आंब बगीचा हाँ जो आंब बगीचा तार रूपश्रीर घर पाखे गोटे आंब बगीचा अच्छी मुकुलित अवस्था आम्रद्यान कोकिलर कुहुर अशांतर अशांतर हो से ही आम्रद्यान कोईली गुड़िक एत जोर बसंत ऋतु वर्णना ठीक करईली कुहुर कुहु 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 जो कोईली बोची से प्राकृतिक परेश को अशांतर आहरी अशांतर कर तेरे कोईली कुहुर से प्राकृतिक परेश को आहरी सौंदर्य कर दूसरी गाल्पिक कहार अर्थ मानने अशांतर अशांतर करते कोईली सुंदर भाव बोगौंटे से प्राकृतिक परेश चलचंचल हाँ अशांतर देखा जा से ही व्यग्र अशांत कुहुरव भितर प्रकाश पाई जननी रूपश्रीर आह्वान से ही जो कोईली गुड़िक कुहु कुहु राव कर पिले माने से कुहुरव से परेश अशांतर अशांतर हो चली से ही अशांतर कुहुरव भितर व्यग्र व्यग्र ब्रत ब्रत कुहुरव भितर प्रकाश पाई जननी रूपश्रीर आह्वान तबे सारिपुतर मा सारिपुतर माग बाट को मार्ग को अन बसी केतबे कौदिन सारिपुत फेरी आस बहुत दिन है घर छाड़ से पलि जा तेरे से ही रूपश्री ता पुअर आसिया बाट को अन बस तेरे से खाली डाक बुलू से ही अशांत परेश जो अशांत कुहुरव व्यग्र परेश मध्य कौन डाकुच फेरी आस सारिपुत फेरी आस हे सारिपुत हे मोर पुत्र हे नंदन हे मोर एक ऋषिकेशन तू फेरी आस हे सारिपुत फेरी आस बोली अति करुण कंठरे डाकुचि किए रूपश्री तापर देख सारिपुत फेरी आसुची आज पुणी गाल्पिक कहते निश्चिंत भावे आज सारिपुत फेरी आसुची बोली ये आशा रखी ता माँ फेरी आस सारिपुत बोली से मार्ग मार्ग रास्ता को अनेक डाकि चली देवता ब्राह्मण कथा कौन मिछ हुए तेरे रूपश्री सारिपुतर माँ भावुची निश्चिंत भाव आज किए सारिपुत फेरी आस मो पुत्र सारिपुत निश्चिंत भाव फेरी आस बौद्ध धर्म परित्याग करदेव हाँ गौतम बुद्ध शिष्यत्व छाड़देव से मो पाक निश्चिंत भाव फेरी आस भावुची देवता ब्राह्मण कथा कौन मिछ हुए से दिन राति किए देवता आसी स्वप्न देखा दे कहे
ସେଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ଦେବତା ଆସି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛ ତେବେ ଯେଉଁ ରୂପଶ୍ରୀ ମନେ ପକାଇଲା କ'ଣ ମନେ ପକାଇଲା ଜଣେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ମିଛ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମିଛ ହୋଇଯିବ ସେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ହେଲା କୁକାର୍ଯ୍ୟ ହଁ କୁକର୍ମ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କୃତ ସୁକୃତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ହଁ ଦୁଷ୍କୃତର ସୁକୃତ ତେବେ ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ସଂଯୋଗ ବିପରୀତ ତେ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି ପୁତ୍ର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ମୋ କାହିଁକି କାରଣ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁଷ୍କୃତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହାର ଫଳ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋତେ ସାରିଭୂତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ଦୁଃଖରେ ଆଜି ମୋ ଅନ୍ତର ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କିଏ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ରୂପଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ରାତି ଏଥର ପାହି ଆସିଲା ରୂପଶ୍ରୀ ଦେବଦୁଜର ଦେବଦୁଜରେ ଭକ୍ତି ରଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କର ସାରିଭୂତ ଫେରି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେହି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ହେ ରୂପଶ୍ରୀ ତୋ ଦୁଃଖର ରାତି ଏଥର ପାହି ଆସିଲାଣି କ'ଣ ହବ ହେ ଦେବଦ୍ୱିଜର ଦେବଦ୍ୱିଜରେ ଭକ୍ତି ରଖ ଦେବଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ରଖ କ'ଣ କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କର ତାଙ୍କ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ବୋଲି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କହିଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କର ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବା କେଉଁଭଳି ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତା ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ସେଇ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତେଣୁ ତୋର ରୂପଶ୍ରୀକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତୋର ଦୁଃଖର ରାତ୍ରି ପାହି ଆସିଲାଣି ତୁମେ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଦ୍ୱିଜ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଜ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ରଖ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମର ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାରିପୁତକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଯାଇଛନ୍ତି ସରି ରୂପଶ୍ରୀକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ତଥାପି ଥାଏ ଆହୁରି ବାକି ସେ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ହଁ ତାର ଦୁଃଖର ରାତି ପାଇ ଆସୁଛି ରାତି ପାଇଲେ ତା ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ରୂପଶ୍ରୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତଥାପି ରାତି ଆହୁରି ଥାଏ ବାକି ପିଲେମାନେ ହଁ ରାତି ବାକି ଅଛି ରୂପଶ୍ରୀର ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ରୂପଶ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ଭାଳି ଭାଳି ହଁ ପୁଅକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ତାକୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ ଖାଇ ଭୋକ ନାହିଁ ଶୋଷ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ନ ହୁଏ ମାର ହୃଦୟ ହଁ ପୁତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦରେ ତା ହୃଦୟ ପୁରା କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ତେବେ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ରୂପଶ୍ରୀକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟଫଟ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇବ ମୋ ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସିବ ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛାଟପିଟ ହେଉଛି କିଏ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରିପୁତର ମା ଭଲ କରି ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ସେ ଧାଇଁଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁବ୍ରତୀଙ୍କ ଘରୁ ଯେମିତି ପିଲେମାନେ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଦୁଃଖ ରାତି ପାଇ ଆସିଲାଣି ତାହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାତିଟା ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଧାଇଁଗଲା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁବ୍ରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପିଲେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଥମେ ରୂପଶ୍ରୀ ତାପରେ ସାରିପୁତ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ସୁବ୍ରତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ
हाँ से देवता ब्राह्मण को जार नाम होची सुब्रती ताको पाको को सकाळ न पाहुनो जेंते सकाळ पाइची दौड़ची ताकरी कुड़िया को ताकरी घर आड़ो नीच शूद्र कुल रे जन्म रूपश्री रा तेबे जो सारिपुत र मा रूपश्री से को कुल जन्म होई छिले माने शूद्र कुल रे मन रखियो रूपश्री जन्म होई छि शूद्र जो हमर रही छि कोन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्र होजंती कोन करिवे समाज रो सेवा करिये समस्तक रो सेवा करिवे हां सेही शूद्र कुल रे जन्म होई छि के रूपश्री एवं रूपश्री कुल ता पुत्र सारिपुत तबे नीच शूद्र कुल रे जन्म रूपश्री रो सुब्रजति सेते बेळ को बाहर थिले मंदिर पथरे पूजा रो उपकरण भनी सुब्रजति ब्राह्मण से जेउ समय रे सुब्रजति का घर निकट को दौड़ी आई प्रातः समय सेही समय रे सुब्रजति ब्राह्मण विभिन्न पूजा उपकरण धरी मंदिर को बाहरी आई छथि पूजा उद्देश्य पूजा करिया पई तारे कहै छी देखो पथपार्श्वरे शूद्र निरूपश्री को देखी विरक्त होई कहिले के सुब्रति ब्राह्मण हां शूद्र सेते देखो पिले माने को भलिया निकृष्ट चिंताधारा थिला हां गोटिए मनुष्य अन्य मनुष्य केत बड़ी घृणा करथिला हां ब्राह्मण माने श्रेष्ठ थिले ता तळु क्षत्रिय माने ता पर थिले वैश्य ता पर सब निकृष्ट जाति शूद्र को परिगणित करथिला से बौद्ध युग रे कोन जाति प्रथा किपरि भाव रे अति एक मुख्य समस्या हो रही थी जहाँ को ये गौतम बुद्ध ही तार निवारण करते कौन जाति प्रथा को विरोध करते होमयज्ञ को विरोध करते ब्राह्मण जो देवता बोली भावुले विरोध करते से कथा कहते हाँ शूद्र रूपश्री को देखी विरक्त हो कहले देखि पारुना कि पापी अच्छी हे पापी अच्छी हे पापी हाँ तू देखि पारुना मु मंदिर को बाहरी तू यही समय देखा देदेलु मोर समस्त पुण्य पापर परिणत होगा मो दिन आज पूरा बिगिड़ गला दिन अशुभ हो गला यहीपर भाव तिरस्कार करते किए ब्राह्मण सुब्रजति का सारिपुत्र माँ रूपश्री कौन कहते पूजा उपकरण ज्ञानी मु विष्णु मंदिर को जाऊँ तोर छाय पड़ी मोर सब अपवित्र हो गलाजे ए हे कड़े पापी अच्छी कड़े पापीटा तोर छाई पड़ी कि मो विष्णु मंदिर जाऊँ तोर छाई पड़ी कि मोर सब अपवित्र हो गला सब अशुभ हो गला किए विभिन्न प्रकार ताच्छल्य करिवार लगे क्या को सारिपुत्र माँ रूपश्री को किए सुब्रति ब्राह्मण तेरे शूद्राणी रूपश्री अनुनय कंठ से कविता जिते ताच्छल्य करे सुब्रति ब्राह्मण सारिपुत पुत्र विच्छेद मीरमाण हो जाए दुखित हो जाए से दुखित उदार कंठ से कह लगे कौन लगे शूद्राणी रूपश्री अनुनय अनुनय अति उदार दुख कंठरे दुख बरा चापी चापी दुख को चापी चापी कंठर कथा न था कहसी मत क्षमा करतु ब्राह्मण हे ब्राह्मण मत क्षमा कर दिंतु मोर अपराध हो जाए हे ब्राह्मण देवता मोर अपराध हो मत क्षमा कर दिंतु छिन्न मलिन परिधान अंतराल तार केतोटी बहुदिन संचित सुनमुद्रा काढ़ी सुब्रती पाद तले रखी से कहला के रूपश्री तापर कहि जेते बेले तकु कोन सुब्रति ब्राह्मण को क्षमा मागिछि हे ब्राह्मण देवता पर भूल हेयछि मु किछि न भाबी भूल बसत आपनक सम्मुख चली आसी मते क्षमा कर दियंतु तापर कहति छिन्न हां छिन्न छिंडा छिंडा छिन्न होले छिंडा मलिन मैल होइथिबा परिधान जो परिधान होला कोन वस्त्र जो परिधान जो वस्त्र रे पिन्थिला मलिन वस्त्र टि लिखने सब छिन्न छिंडा छिन्न लिख पिले छिंडा फटा तापरे मलिन मैला अपरिष्कार एवं परिधान वस्त्र तार से मलिन
छिर्ना परिधान मलिन छिर्ना परिधान वस्त्र भेतरु बाहर कले गोटे कोण सुना मुद्रा स्वर्ण मुद्रा से काई की स्वर्ण मुद्रा रे कारण ता स्वप्न रे ब्राह्मण देवसा सी कहि जेचंती कोण ब्रह्मदीपजन देवदीपजन ठारे भक्ति रे कहबो ता को सुवर्ण दान कर सेही उद्देश्य रे सारिभूत सकाळ नौ पाणु से स्वर्ण मुद्रा संचय कर बहु दिन रो संचय कर रखि दिबा गोटे स्वर्ण मुद्रा को धरी से ब्राह्मण देवता को दवा दान करिया उद्देश्य रे दौड़ी आसी हां सेही कथा कहो स्वर्ण मुद्रा काढ़ी सुब्रतिक पाद तळे हे ब्राह्मण सुब्रतिक पाद तळे विनम्र रो सहित हां दुखर सहित थोई देई कहूची कोन कहले पिले मान देखो ता परे समस्त बही बात करछो कि नै बही देखु ताओ रखी कहिला नियाश्री हिनक पाळी मु हे ब्राह्मण देवता मु नियाश्री मोर केही आश्रय नहांती नियाश्री नाही आशा जहार नियाश्री से हां ओबरी समाज सहित पिले माने नियाश्री मु आश्रयहीन मोर केही मो पुत्र मते छाडी पळे जायछि मु नियाश्री होय छि हे ब्राह्मण देवता हां मु गोटे हिनक पाळी हां कोण हिन कपळी हला कोण किरे कपाळ हिन जो कोंती कोण भाग्य हिन हां मो भाग्य भलो नाही मो हिन कपाळी मो ब्राह्मण हे ब्राह्मण देवता मो जणे नियाश्री एवं हिन कपाळी हां हतभागा से उद्देश्य रे आपण को पाख को आसी गोटे परामर्श पई हे ब्राह्मण देवता मते गोटे परामर्श दियंत कोण सुभज्योतिंकर गळारे स्वर नरम होई गला से ए एहा कहु कहु हे ब्राह्मण देवता मोर मु नियाश्री हे छि आशाहीन हो जाय छि एवं मु हतभाग हो जाय हतभागी हे जाय छि मो पुत्र मते छाडी पळे जाय छि तेनो मते किजि परामर्श दियंतु से आश्वासन औ तंब सुनाई कहिले के ब्राह्मण ब्राह्मण देवता ते सुवर्ण कम मुद्रा स्वर्ण मुद्रा सुवर्ण मुद्रा टी पाइछंती तापरे तांकर कोण सब अपवित्र पवित्र हे गेल बुझबार त पिले मान हां जेते बेले शूद्रटी देखि देले अपवित्र होइतला एते बोली कहउतिले एते जे सुवर्ण मुद्राटी ताको दान कर देइछि सेते बेले सब पवित्र होइ गेले ब्राह्मण मानकर को भलिया कलुषित चिंता धारा से प्रति थिला से समाज तांकर को भलिया कुसंस्कार सब थिले पिले माने चिंता करथा जेते बेले सुवर्ण मुद्राटी देखि देले के सुब्रति ब्राह्मण देखि देले तापर कोन होइछि ताको आश्वासना दंभ देबा को आरंभ कर देले किंतु ता पूर्वरो ताको तिरस्कार भर्त्सन करियाकु पश्चाताप कर नथिले कौन कहिले कौन होइछि मते कोआ रूपश्री हे रूपश्री कौन होइछि तुमरा कौन होइछि कोह रूपश्री बोली तबु आश्वासना देउछनि दंभ देउछनि दुख रे अधिर होना प्राणी रो दुख अपनोदन करिबा त ब्राह्मण रो कर्तव्य देख जेतेले प्रथमे शूद्र को देखि भर्त्सना करिया लागिले ताको देखि तांकर सब अपवित्र होइगला तापर लोभी ब्राह्मण त जेले सुवर्ण मुद्राटी पाइछन्ति तापर आश्वासना दंभ देबा को आरंभ करछन्ति तार कहले कोन होइछि जे हां शांत हो कोन होइछि को हां दुखीर दुख अपमोदन करिवा अपमोदन हला पिले माने दूर करिवा अपमोदन दूर करिवा दूर करिया निवारण करिया हला लेकिन अभी आने अपन उदन दूर करिया निवारण करिया ए अर्थ बहुत होई छी तबे कोसंती हे रूपश्री हां धैर्य रख हां मते कह तुमर कोन होई छी हां तबे सब दुखिंकर दुख को अपन उदन करिया ही अपनोदन करिबा त ब्राह्मणकर कर्तव्य एठारे ब्राह्मणकर कर्तव्य आसीला पिले माने जे सुब्रगम कड्डी पाइगला के ब्राह्मण सुब्रवती लोभी तापर ए स्वर्ण मुद्रा रे की प्रयोजन थिला देखो को भले अभिनय करिय गेलैला सुब्रवती ब्राह्मण अरे 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 हमें तो दुखिंकर दुख को अपनोदन करि हमर कर्तव्य तमे ए सुवर्णगम कोन काई के आनिछ बोली ए भली अभिनय भाव रे हां लोभी ब्राह्मण सुब्रवती कहउछि हेउ आनिछ जते बेले न नेले त मोर अपराध होई जीव हौ जदि आनिछु ननले जदि पुनी अपराध होई जीव हां दाता दउछंती ननले अपराध होई जीव की प्रकार अपराध देखुता पिले माने हां लोभी ब्राह्मण माने अति लोभी से काल रखिले ब्राह्मण मान को देवता तुल्य पूजा करथिले लोक माने किंतु से माने कोउला शोषण करथिले लोक मान हां तबे जदि सुवर्ण कंपनी आनिछु ननले मोर अपराध होई जीव बोली के सुब्रति ब्राह्मण कहउछंती देखो तबे रूपश्री कहिले सारिपुत कौन सतरे फेरबनी ब्राह्मण
आउ से सुब्रति ब्राह्मण पछंती हे ब्राह्मण देवता सारिपुत मो पुत्र कोन मो बहु फेरिबो नाही हां दुखर सहित हां जंत्रणार सहित दुख जंत्रणार सहित कहूची रोदन करकी काली रात्री रे मो स्वप्न देखिली जणे देवता मते अभय सुनाइले जणे देवता त ब्राह्मण रात्री रे जो स्वप्न देखि से स्वप्नर कथा एटी विकृति को एटी परिप्रकाश कर सुब्रति ब्राह्मण को निकट रे कोन देवता मते अभय सुनाइले मोर सारी फेरि आसीबो निश्चय सारी माने के बिले माने सारी पुत हां से जणे ब्राह्मण देवता स्वप्न रे आसी मते अभय सुनाइले अभय माने मोर भय खंडन करी अभय जोडा अकाट्य वचन सुनाइले हां अभय वचन सुनाइले मोर सारी फेरि आसीओ निश्चय होय मोर सारी पुत फेरि आसीओ बोली केउ पूर्व जन्म दुष्कृतरु मु कोडे ए जन्म रे ए पुत्र विच्छेद भोग करूछि हे ब्राह्मण देवता मु कोडे से मो स्वप्न रे आसी कहिगले मु कोडे पूर्व जन्म रे कोन दुष्कृत खराब काम करथिली सेही कार्यर फल सदृश से खराब कामर फल सदृश माजे भोग करूछि हां पुत्र विच्छेद रूपक दुख तेबे किंतु सारी फेरिबे त कुह ब्राह्मण तमे त त्रिकालदर्शी हे ब्राह्मण देवता आपण त त्रिकालदर्शी ओटी मां अति ता पुत्रर विच्छेद रे दुखित होई ता हृदय कांदी पडुची आ भांगी जाईची ता हृदय ता मन सेबा प्रागल प्राय होई जाईची से कहा को विश्वास करि परु नाही हां सतरे कोन समस्त पचने बुलची मो पुत्र के फेरियाचो जहा को दुखुची पचरची मो सारी पुत मो सारी कोळे पळे जायची काही के असु नाही हां काही के पुत्र विच्छेद जंत्रणा भोग करूची मो सारी कोण फेरी आसीओ कुह हे ब्राह्मण मो तो आपण त त्रिकालदर्शी तुमे त्रिकालदर्शी तिनी काळ तुमरो ज्ञान रहीची तिनी काळ को तुमे देखि परुच कोण अतीत भविष्यत वर्तमान तम त्रिकाल तिनी काळ को देखिबार तुमरो पारदर्शिता रहीची दक्षता रहीची तबे तिमे देखि करि मते टिए कुह मो पुत्र त फेरी आसीओ तापरे सुब्रति किसी समय दुई चकु निर्मलित करिबा परे कहिला ब्राह्मण सुब्रति हां सर्वे ब्राह्मण माने को भले अभिनय करथिले शोषण करथिले ता लोक कहले ब्राह्मण सुब्रति आखी को निर्मलित करी निर्मलित माने को करे बंद करी निर्मलित लेख निर्मलित बंद करी आखी को बंद करी के कहला सुब्रति ब्राह्मण आखी आखी अभिनय करी आखी को निमिलित करी कहला को माने जेतले ता को जे त्रिकालदर्शी ब्राह्मण सब को अभिनय करे लागिले जे मु होजी त्रिकालदर्शी सब तीन काल को अतीत भविष्यत वर्तमान सब देखि पाउ छले अभिनय माध्यम रे हां शूद्र मूर्ख लोक माने से मान थिले से समय रे हां शिक्षा लाभ करि पर नथिले त ता को शोषण करथिले को भला देख तमे ता पूर्व जन्म रा एदे आखी बंद कर देले के सुब्रति ब्राह्मण तापरे ओजंती तुमे त पूर्व जन्म जने व्याधा थिलो तुमे जते बेले व्याधा माने को के शिकारी के रूपश्री पूर्व जन्म जने शिकारी थिले बेले ब्राह्मण आखी बंद करी अभिनय रे कहउचंती ना तुमे त पूर्व जन्म जने व्याधा थिलो रूपश्री दिने गुटिए मुर्गुणी मृग शिशु सहित जाउथिला शांत सिग्न छाया अरण्य पथरे हां तुमे पूर्व जन्म जने व्याधा थिलो सही व्याधा थी समय रे पूर्व व्याधा नहीं रूपश्री दिने गोटे मृगुणी मृगुणी मृग शिशु सहित जाऊला शांत सिग्न छाया अरण्य पथरे गोटे स्निग्ध छाया अरण्य पथरे गोटे मृगुणी सहित तार मृग शिशु जाऊला से तमे सरसंधान कल मृगुणी लक्ष्य कर तुम्हें से समय मृगुणी को लक्ष्य कर सरसंधान कल जेह तुम जो शिकारी थी तेज से मुगुणी को लक्ष्य करी शिर संधान कर किए रूप से पूर्व जन्म रे जने व्याधा थिला से व्याधा थिया समय रे से गोटे स्निग्ध छाया अरण्य मध्य रे स्निग्ध छाया स्निग्ध बले कोन किरे अति शीतल कोमल हां स्निग्ध छाया जो कोंती हां स्निग्ध छाया अरण्य पथरे जाउतिले गोटे किए मुगुणी सहित तार मुगुर शिशु सेति बेले तमे सर संधान कला मुगुणी को लक्ष्य करी किंतु सर भेद कला मृग शिशु को नवनीत कोमल देह नवनीत माने कौन कहे लहुणी लहुणी परी कोमल हाँ लहुणी नवनीत लहुणी से लहुणी परी
जो कोमल लहुन परी कोमल होइतिबा से मृग शिशुर शरीर रे जाई हां नवनीत कोमल देह रे तार से नवनीत कोमल देह रे कार हे मृग शिशुर शरीर अति कोमल लहुन छरु मध्य हरि कोमल हां धरिय को बहुत भल लागे यदि के देख छोटो ठेकुआ बा मृग को धरथिबो निश्चित भाबरे तुमे माने ए हमर जो छेली छुआ ताको धरले जो बड़ा कोमल लागे ताठरु आहुरि कोमल लागे पिले माने हां जो माने गा माने के रहितिबो से जानिथिबो हां किपरि हरि कोमल लागे सेहि परि कहूछि नवनि तला लहुनि परि कोमल होइतिबा से मृग शिशु रे जाय सरबाजे संगे संगे यंत्रणा रो ज्वाला रे प्राण वेतर उड़ी गला संगे संगे तुमे जते बेले हां तुमे पूर्वजन ने बांधा दिलो से गोटे स्निग्ध छाय अरण्य मध्य रे गोटे मृगुणी सहित जाउथिले तार मृग शिशु से समय तुमे सर संधान कल से सरटी मृगदेह न बाजे बाजी गला मृग शिशु मृग छुआ देह रे से नवनीत अति कोमल शिशु देह रे से कोन कला यंत्रणा रे ज्वाला रे प्राणवायु तार उड़ी गला ता छाटी पिटी होई सेठारे छाटी पिटी होई खसी पड़ी तार प्राणवायु अर्थात प्राणवायु उड़ी जाना किले कोन मरी गला प्राणवायु प्राण थिले जीवन अछि प्राण नथिले जीवन नै मृत्यु ते तार प्राणवायु उड़ी गला मृत्यु वरण कला सेही मृगुणी रे अभिशाप रे तमर ए जन्म रो भोग करिया को करिया पाई पडुछि ए पुत्र बिच जंत्रणा सेही मृगुणी सेही समय रे तुमको अभिशाप देथिला तुमे जेपरि मो पुत्र को बारी मते मोठर विच्छेद कर दिछ तुमे परजन्म रे सेही परि भाव रे पुत्र विच्छेद जंत्रणा भोग करियो बोली तुमको हे रूपश्री हां तुमको सेही मृगुणी ही अभिशाप देथिला से मृग छुआ रो मां मृगुणी तुमको अभिशाप देथिले बोली आखि बंद करी जेपरि त्रिकालदर्शी सदृश अभिनय करी के सुब्रती ब्राह्मण कहियो को आरंभ तथापि स्वच्छ हृदय रे फिरि जाय रूपश्री तथापि मु तुमको कहू जे स्वच्छ हृदय हृदय रे मन भीतर किछि दुख रख नाही कोन किछि कथा भाबी आवश्यक नाही तुमे स्वच्छ हृदय रे फिरि जाओ हां आशीर्वाद मु तुमको आशीर्वाद देउछि रूपश्री सारिभूत फिरि आसीबो निश्चय निश्चय भाव रे तुमे जेहेतु मते मो बाहु आसीछ हां मु तिनी त्रिकालदर्शी मो तृतीय नयन देखि पाउछि निश्चित भाव रे सारिभूत फिरि आसी रूपसी ब्राह्मण सुब्रतिक पादले प्रणति जणाई कहिला रूपसी ब्राह्मण तापरे एतेले एही परि आशीर्वाद देई ब्राह्मण कहिसंती तुमे स्वच्छ हृदय रे फेरि जाय रूपश्री तुम पुत्र सारिपुत निश्चय भावे फेरि आसीबो एही परि कहिया परे रूपसी कं करिछि सुब्रतिक पादले प्रणति जणाइला हां प्रणाम कला एवं तमर आशीर्वाद पूर्ण हेउ ब्राह्मण हे ब्राह्मण देवता आपनकर आशीर्वाद पूर्ण हेउ मु तितिकी भगवान ठाई विनती करूछि प्रार्थना करूछि जणाइला से अनेक अनेक दिन तलर कथा सारिपुतर प्रतीक्षार दिन दिन राति हुए पूर्णी दिन एहिपरि भाव रे तथापि भांगे नाही रूपश्री आशा सारिपुतर फेरिबार निश्चय एहिपरि भाव रे ब्राह्मणर आशीर्वाद नै रूपश्री फेरि जाइछि किंतु कोन हेबो अनेक अनेक दिन तलर कथा एहिपरि अनेक अनेक दिन व्यतीत होइ जाइछि दिन परे दिन राति परे राति दिन परे राति राति परे दिन एहिपरि दिन राति होइ जाइछि किंतु रूपश्री तथापि भांगे नाही रूपश्री आशा रूपश्री जो आशा रखिछि पुअ मोर फेरि आसीबो कुआडे चली जाइछि मो सारी फेरि आसीबो एही आशार तिमिर अंधकार तार केबे आलोकित होए नाही केबे से आशा भांगे नाही तबे सारिपुत फेरिब निश्चय एही आशा रखि से पुअर फेरिया बाट को चाहि रहिछि के रूपश्री तापर पिले माने एति कि आज पढ़ले पुणी आगामी कक्षा रे आउ अवशिष्ट अंश पढ़ीबा हां कारण गोटे क्लास रे सरीबा संभव पर नहि पुणी आगामी कक्षा रे पढ़ीबा तबे तुमे माने यार शब्दार्थ लिखि नब हां आउ जो कठिन शब्द तुम न आसे ताकू पचारिबो तापर आमे यार प्रश्न उत्तर करिबा एदे प्रश्न आज पिले माने सारिपुत किए सुब्रतती किए सुद्रणी रूपसी को ज्योतिष कोन कहिले रूपसी केउ स्वप्न देखिथिला हां उपाली किए एही सब प्रश्न गुड़ी को आमे धीरे धीरे आगामी कक्षा रे कहि चलिबा हां तारे बुधंकर शिष्य शिरोमणि किए एवळी प्रणी प्रश्न आसीबो तारे सारिपुतर मांकर नाम कोन थिला एही परि भाबर प्रश्न आसीबो ते रूपसी सुब्रतती को पादले कोन रखिथिला कोन किला बिले ने सुवर्ण हां स्वर्ण मुद्रा तारे नालंदारु आसित अभिनेता माने केउ नाटक टी अभिनय करथिले आगु आइम पढिबा ए से पढि नहे तबे ए प्रश्न उत्तर उडे करिबा हां तबे सारिपुत के बिले माने सारिपुत हेउछि रूपश्री र पुत्र बा बुधंकर शिष्य शिरोमणि बोल लेखिबा सुद्राणी रूपश्री को ज्योतिष कोन कहिथिले
हाँ कौन कही दिले जे सुद्राणी रूप सुद्राणी रूपश्री ज्योतिष कही थिले तुम कौन मो पुत्र फेरी आसीब जो स्वप्न रे आसी कही थिले हाँ तुम्हें पूर्वजन दुष्कृत रुहे जन्म रे परी पुत्र विषद भोग करछ से दुखर राती पाई आसलानी तेबे हाँ द्विजों ठेरी भक्ति रख तुम स्वर्ण मुद्रा दान कर निश्चय सारीभूत फेरी आसीब बोली कही थिले रूपश्री के स्वप्न देखा से स्वप्न विषय लिखा बुद्ध शिष्य शिरोमणि किए पे मैंने सारीपुत सारीपुत माँ नाम कौन थी रूपश्री मंदिर को पूजा पवन थे किए बाहर थे सुब्रज्योति ब्राह्मण रूपश्री सुब्रज्योति पात कौन रहा स्वर्ण मुद्रा यही आम पढ़ीचे पुणी आगे आम पढ़ा तेज आज ये पे मैंने पुणी देखा हाब आगामी कक्षा धन्यवाद।